युद्ध की तैयारी करता है तो उसको पांच चीजों का खास ध्यान रखना पड़ता है। लिख लेना आज पांच चीज। पहला, कि वो एकदम सामाजिकता से दूर हो जाता है। सामाजिकता का मतलब है कि वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का पड़ोसी नहीं है। नौ घर में होते हैं, हमें भी याद है जब हम बचपन में थे तो दोस्त की तबीयत खराब हो गया तो रात भर उसकी सेवा कर रहे हैं। अरे करना, खुद जब अनसक्सेसफुल हो जाओगे ना, डॉक्टर नहीं बनोगे ना, तो कोई सेवा करने बुलाएगा भी नहीं तुम अपने घर, कोई दोस्त ही नहीं रहेगा। चार साल बाद तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक कॉम्पिटिशन की तैयारी करे तब तक नहीं। योगी योद्धा युद्ध की तैयारी करता है, सामाजिकता से दूर रहता है। पिताजी कर रहे हैं आटा पिसा के ले आना, आटा चक्की से गेहूं। माताजी कह रही सिलेंडर खत्म हो गया, और उस वाली मंजू बुआ कर रही अरे बेटा चिंटू कहां थे, तुम दिखे नहीं चार दिन से, मार्केट से हल्दी ला दो। बोलो कौन बेटा चिंटू, मैं की होता हूं। पहली चीज, सामाजिकता से दूर रहना पड़ता है। दूसरी चीज, मोह माया से अपने आप को दूर करना है। मतलब आप तो लोगों से दूर हो गए, समाज से दूर हो गए, उसके बाद मोह माया से आपको दूर रहना है। मोह माया, मान लो कि बड़े युद्ध की तैयारी चल रही, एक योद्धा लड़ने की तैयारी कर रहा है ना, तलवारबाजी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और बीच में होली आ गया तो बोलेगा आज प्रैक्टिस की छुट्टी, आज तो होली मनाएंगे, आज दिवाली मनाएंगे, एक दिन की तो दिवाली, आज मेरा बर्थडे है, आज मैं युद्ध की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है असली योद्धा, ये अर्जुन की निशानी नहीं है। वो उस मोह माया से दूर रहते हैं। आज बचपन से अभी तक दिवाली मनाते आए हो कि नहीं आए हो, दुर्गा पूजा मना, मतलब मैं टॉपर को देखता हूँ कि सर आपने दुर्गा पूजा में एक दिन की छुट्टी कैसे दी। अरे भाई साहब तुम्हें तो छुट्टी देना ही नहीं चाहिए, तुम्हें किस बात की एक होली दिवाली की छुट्टी भाई साहब, ये सर ये नहीं की छुट्टी नहीं देते हो आप, दुर्गा पूजा की दे देते हो, भाई साहब तुम्हें मिली खुश रहे तो छुट्टी लेता रहेगा जीवन में। तू जोड़ ले ईद होली दिवाली छठ दुर्गा पूजा, तुम्हारा बर्थडे, पड़ोसी का बर्थडे, तेरे फ्रेंड का बर्थडे, ये मिला के ना 30 से 35 दिन हो जाते, 40 दिन हो जाते, तो ये 40 दिन तो पूरा गया, 40 दिन में इतिहास बदल जाता है। सामाजिकता से और मोह माया से दोनों से दूर रहना पहली बार। एक सैक्रिफाइस तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम योद्धा बनना चाहते हो, तो नहीं तो आम इंसान की तरह जियो, घर में खुश रहो, युद्ध मत लड़ो, युद्ध लड़ रहे हो तो अपने आप को मजबूत बनाओ। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने युद्ध के बारे में सोचना है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसकी पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। जैसे मान लो कि मुझे किसी से युद्ध लड़ना है तो मैं सीधा अपनी तैयारी करता रहूंगा, मजदूरी करता रहूंगा कि सबसे पहले मैं जानूंगा कि जो मेरा दुश्मन है उसके वीक पॉइंट क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये मैं पता करने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे पहले पता करूंगा कि अच्छा वो तीरंदाजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हमें तीरंदाजी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अच्छा उसको तलवार चलाना नहीं आता तो जितना हमें चलाना आता उससे काम चल जाएगा। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। और फिजिक्स में स्पेशली हाईली न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें कार्य न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं करने होते हैं, हमें करने होते हैं कंसेप्चुअल सवाल, कंसेप्ट तगड़ा हो, कैलकुलेशन दो तीन लाइन का ही। तो यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। 12 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ मेहनत ही मत करो, आप सोचो और रोज 10 मिनट सोचो, रोज 10 मिनट सोचो कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं योद्धा हूं, उसमें ऐसे होता है, इतने बच्चे पेपर देते हैं, हम मैं सो जाऊंगा तो पीछे छूट जाऊंगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत बनकर बनाना पड़ेगा कि मैं नीट का वार झेल पाऊं। तीन चीजें हुई। चौथी चीज, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस का मतलब ये है कि कई बच्चे ना घबराते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा क्या। अरे भाई नीट क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू लेवल से ज्यादा जरूरी होता है कंसिस्टेंट मेहनत करना। सर रिजल्ट तो नहीं आ रहा मेहनत करने पे, आएगा लेकिन लगातार आपको करता रहना पड़ेगा। एक बहुत पुरानी कहानी मैं कहता हूं, अगर मैं दौड़ सकता हूं तो मैं दौड़ूंगा, अगर मैं चल सकता हूं तो मैं चलूंगा, और अगर मैं रेंग सकता हूं तो मैं रेंगता रहूंगा, लेकिन हर समय कीप मूविंग, मैं चलता ही रहूंगा, ग्रोथ होता रहेगा। तो तुम कितने कमजोर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कितना मेहनत कर रहे हो कल तुम्हारा उस पर डिपेंड करता है, तुम परसों क्या थे इस बात पे तुम्हारा कल डिपेंड ही नहीं करता। तो तुम बहुत मंदबुद्धि हो ना बेटा, तो तुम जीवन भर मंदबुद्धि ही रह जाओगे अगर तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। अगर तुम आज एक चीज सीखोगे ना तो एक चीज का तो ग्रोथ हुआ है,
ज्ञानी आदमी वो नहीं है जिसको सच में बहुत ज्यादा ज्ञान है, ज्ञानी आदमी वो बनता है जिसको अपने अज्ञानता का ज्ञान है, अपने वीक पॉइंट का ज्ञान है, जिसको ये पता है कि मेरा मेरा ये वीक पॉइंट है तो मुझे उस पर काम करना है। और काम करने से चीजें ठीक ही होती है बेटा, खराब नहीं होती, पर ठीक होना एक लर्निंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगता है। तो अब जहां भी हो जैसे भी हो करो, बस ये जरूरी है। और आज तुम मेरा अगर लेक्चर देख पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं, तुमने बहुत बेहतर किया है पहले से। तुम बिना बैकलॉग अगर कर पा रहे हो तो तुम टॉप 30% स्टूडेंट हो, लिख लो। अगर क्या बात करो, बहुत बच्चे नहीं है, मुझे पता है ना, मैं बता रहा हूँ, टॉप 30-40% बच्चे हो तुम पहले ही, तुम पहले ही बहुत आगे हो। अब थोड़ा बहुत चीजों से हिम्मत मत हारो, लगातार अपने आप को मजबूत बनाओ। और पांचवी बात ये है, फेथ रखो खुद पे और अपने गुरु पे। एक जिससे तुम्हें मन कर रहा है उस पे भरोसा रखो, उसको मानो। ये जो पूरा रिलीजन का मेथोलॉजी जो चलता है ना, वो सिर्फ फेथ पे ही चलता है। आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या, अल्लाह को देखा है क्या, जीसस को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा एक्चुअल में। अगर आप देखो, इसको गलत वे में मत लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फेथ है और फेथ से फर्क पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरे मान तो भगवान है, मेरे कलम में भगवान है तो मेरे कलम में भगवान है। इससे सच में अगर मैं ऐसा मानूं तो इसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, चमत्कार होगा। एक लिमिट आगे बन जाओ, वो कह रहा अभी रिवीजन नहीं करना, अभी ये करना, तो करो।